सब अपने अपने गांव जा रहे हैं। सुबह हो रही है, फजर हो रही, दूसरा दिन भी शुरू हो गया। जागते जागते जल्दी जल्दी निकलते हैं ना, ताकि फायदे का सफ़र जो है दिन में कर लें। अजाने हो रही, यहाँ कोई सोता ही नहीं है, सभी जागते रहते हैं पूरी रात। यहाँ फालसा बन गया है आज। फिर गर्मी जो है दोबारा से इतनी ज्यादा हो गई है, खाने से पहले मैंने कहा फालसा दे दो उनको। खाना यहाँ पे फाइनली हमारा रेडी हो गया और इस वक्त हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं नीचे। तो खाने में बनाए कटलेट्स, साथ में खिचड़ी, साथ में रोटी है और कहाँ चोट लग गई है ना, मेरी दोस्त की स्कूटी से। ओहो, कोई बात नहीं होता, फिर भी बाहर ही हो तुम। बैठा हुआ था कहीं, स्क्रैच लग गया कहीं। आवाज़ें लड़ रही है साथ में अपनी, कबूतर कबूतर ये कबूतर की आवाज़ ही लड़ती रहती है। तो यहाँ मैं अपनी चाय लेकर आ गई हूँ बाहर, और आज सुबह से जो है दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि नाया को लग गई है चोट सुबह ही सुबह। स्कूटी से खेल रहे थे ये लोग और स्कूटी से जो है उसके एक चोट लग गई, तो उसके बाद से जो है बड़ा उसने तंग किया हुआ है। हुआ आपको? मेरे पैर में चोट लग गई है। चोट लगी तो क्या हो गया, दिखाओ अपना पैर। छोटा सा बच्चे का पैर ऐसे थोड़ी परेशान होता है। हाँ, आप तो ब्रेव है ना। तो मेरे बेटे को इतना परेशान क्यों? अच्छा चलो मैं शावर देती हूँ आपको, चलो शावर अभी ठीक हो जाएगा ना, कोई बात थोड़ी, शेर का बच्चा है, तो शेर का बच्चा है ना मेरा। तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बच्चों के साथ आपको पता है 50,000 जिम्मेदारियाँ होती हैं, क्लिप बनाना भी जो है ना वो बड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट होता है, आसान नहीं होता है। और आज तो सुबह से पता नहीं क्या मनहूसियत चल रही है कि पहले अनाया को चोट लगी है और उसके बाद अब अहमद को चोट लग गई है। और सुबह से मेरे खुद पैर के अंदर बड़ी पेन है, मुझे जो है ना बहुत सीवियर नर्व्स की पेन हो रही है। लेकिन आपको पता है माओं को जो है छुट्टी की इजाज़त नहीं होती, माओं को खड़े रहना होता है, जो भी हो, जो भी मसले मसाइल हो ज़िंदगी के उनको फ़ेस करने होते हैं और बच्चों को लुक आफ्टर करना होता है, यही होती है माओं की ज़िंदगी। तो चाय भी मेरी जो है वो ठंडी हो चुकी है और चाय अब तक मैंने पी नहीं है, क्योंकि यहाँ 50,000 चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है ये क्लिप शूट करना और चाय पीना और इवन कि अपने बाल भी बनाना। तो वो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का भी यही हालात हैं और आपके भी यही हाल हैं घर के अंदर जो मेरे हैं। तो मम्मा यहाँ पे बना रही हैं कीमा, शिमला मिर्च और बस ये थोड़ी देर में रेडी होने वाला है। तो वेलकम बैक, हम जा रहे हैं अब नीचे और किचन से मैं अभी फ्री हुई हूँ, अब अनाया को लेके ज़रा नीचे जा रही हूँ। मैंने आपसे कहा ना, जिम्मेदारियों की एक लंबी चेन है, तो बहरहाल निभानी तो है
ऑफ कोर्स बच्चे पैदा करता है इंसान, तो जिम्मेदारियाँ भी उठानी पड़ती हैं, और पैदा करना बड़ा आसान होता है लेकिन पालना जो है ना वो हर किसी की बात की बस की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैं पेरेंट्स का हाल देखती हूँ, और आज मैंने फिर ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक शर्ट पहनी है। बड़े दिनों बाद ब्लैक कपड़े निकाले हैं क्योंकि वो मच्छरों की वजह से ना मैं निकाल नहीं रही थी। तो डिनर यहाँ रेडी हो चुका है, और डिनर में है कीमा, शिमला मिर्च और खिचड़ी। दोपहर में किसी ने खाई नहीं थी, कटलेट्स नहीं किया गरम। ये नई मूवी आई है, ये लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है रात के कोई 1:30 बज रहे हैं, और अनाया को मैंने लिटा दिया था, अब ऑलमोस्ट वो सोने वाली है। मैं भी अपना ब्लॉग एंड करूँगी, तो बस आप पता ही है कि ब्लॉग एंड करने से पहले कुछ 2-4 बातें हो जाती हैं आप लोगों से, तो थोड़ा दिल भी हल्का हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो कुछ इतना है नहीं, और कुछ बस एक दोस्त हैं जिनसे मुलाकात हो जाती है और उनसे हेलो हाय हो जाती है। लेकिन बस समटाइम्स जो है उस चीज़ का भी टाइम नहीं मिलता, क्योंकि अपने भी बहुत सारे काम होते हैं। और जैसे ही ईद आती है ना, तो यहाँ पर एक बड़ी अजीब सी वीरानियत छा जाती है बहरिया के अंदर, और ये आज से नहीं पिछले 5 सालों से है, और उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि बहरिया में मोस्टली जो रेजिडेंट्स हैं वो या तो इंटीरियर सिंध से हैं या इंटीरियर पंजाब से हैं, क्योंकि जितने भी जो बिल्डर्स वगैरह हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट के लोग हैं या रियल इस्टेट के लोग हैं, वो मोस्टली इंटीरियर पंजाब से हैं, और यहाँ आके फिर उन्होंने अपने बिजनेसेस डेवलप किए हैं। इसी तरह बहुत सारे लोग सिंध से भी हैं, इंटीरियर सिंध से भी हैं, तो सब लोग जब अपने अपने घरों को, अपने गाँव को और अपनी जगहों पर चले जाते हैं तो बहरिया बिल्कुल खाली हो जाता है, और स्पेशली ईद के दिनों में इतनी मनहूसियत हो जाती है, अल्लाह माफ़ करे मैं आपको बताऊँ कि बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। ना बच्चे होते हैं और ना ही कोई नेबर्स होते हैं, क्योंकि जिनके रिलेटिव्स कराची में हैं या फैमिलीज़ कराची में हैं वो कराची चले जाते हैं, और बाकी जैसे हम जैसे जो लोग हैं जो ओवरसीज़, वो मुंह तकते रह जाते हैं, क्योंकि कराची में तो आपको पता है कि बकरीद के ऊपर क्या आलम होता है गंदगी का, और किस तरह जो है सड़कों के ऊपर हर चीज़ हर तरफ आपको जो है गंदगी नज़र आती है, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं होता है कहीं आना जाना, इतनी स्मेल के अंदर बंदा निकल ही नहीं सकता है। तो बहरहाल बहरिया जो है वो खाली हो जाता है ईद के दिन में और बकरीद के दिनों में, लोग यहाँ नहीं होते। वैसे भी बच्चों की वेकेशंस हैं तो लोग अपनी वेकेशंस की वजह से भी जो है वो चले गए हैं यहाँ से, और जो रह गए हैं वो भी जा रहे हैं, तो बिल्कुल सन्नाटे हैं और बिल्कुल सन्नाटे का आलम है। जब मैं विला में थी तो चलो वहाँ पे तो ये होता था मेरे भी कोई रिलेटिव्स आ जाते थे तो हम बारबेक्यू वगैरह कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे इस तरह का कुछ है नहीं, तो देखते हैं कि हमारी ईद कैसे होती है। वरना मुझे तो खैर 5 साल हो गए ईद मनाए हुए, जब से मैं यहाँ आई हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई ईद मनाई हो, क्योंकि ईद तो अपनों के साथ होती है, और आजकल आपको पता है कि खून सफ़ेद हो गया है, तो अपने तो रहे ही नहीं दुनिया के अंदर, तो जब कोई रहा ही नहीं तो बस अपने बच्चों के साथ ही ईद मना लेते हैं, और जो भी यहाँ मौजूद होगा उनके साथ मना लेंगे ईद और गुजर जाएगी ईद। बाकी यूट्यूब पे भी सन्नाटे हैं, आप लोगों ने भी बिल्कुल अकेला तन तनहा छोड़ दिया है, आप लोग भी कोई कमेंट्स मैसेज नहीं करते, और आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, कुछ कह नहीं सकते। इंसान किसी का दिल हल्का करने के लिए उसका हाल अहवाल पूछ सकता है, और जब एक इंसान आपको रिप्लाई करता है, आपके कमेंट को लाइक करता है, तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए। लेकिन आप लोग वहाँ जाके कमेंट करते हैं जहाँ से आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, फिर भी आप लोग वहाँ जा के कमेंट्स करते हैं, जिन जगहों से ना आपको हार्ट दिए जाते हैं, ना कोई रिप्लाई मिलता है, ना कोई रिस्पॉन्स। लेकिन एनीवे ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि तो दिलों के सौदे होते हैं, किसी से ज़बरदस्ती सौदे नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो यहाँ बैठ के ड्रामेबाजी करूँ और आपके इमोशंस से खेलूँ। जो भी मेरी लाइफ में है वो मेरी लाइफ के अंदर चल रहा है, और इंशाल्लाह सारी चीज़ें ज़िंदगी के अंदर अप एंड डाउन चलते रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि मुझे सोशल मीडिया पे बैठ के कोई ड्रामा लगाना चाहिए अपना चैनल चलाने के लिए, क्योंकि इज़्ज़तदार लोग जो होते हैं वो जीते जी मर जाते हैं, अपनी इज़्ज़त जो है ना वो ख़राब नहीं करते। लेकिन यहाँ पर तो यूट्यूब पे जो एक जिस किस्म के लोग मौजूद हैं जिन्हें आप इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं,
और जिन्हें आप लोग व्यूज़ देते हैं वो सिर्फ कंट्रोवर्सी करके और झूठ बोल के आप लोगों को पागल बनाते हैं। तो एनीवे ये आप लोगों का मसला है, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। आप लोगों को ना अच्छी क्वालिटी के व्लॉग्स चाहिए, ना आप लोगों को अच्छा बैकग्राउंड चाहिए, ना आपको अच्छी अच्छा एक पॉजिटिव व्लॉग्स देखने की आदत है। आप लोग शायद खुद इन्जॉय करते हैं कॉन्ट्रोवर्सीज और कॉन्स्प्रेसीज। तो बहरहाल जो मुझे देखना चाहे वो देखें। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपनी दुआओं में हमें याद रखें। गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।